आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश घोर में। दोस्तों अभी आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को जो है वो वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र जो सबसे पहले लिस्ट आई थी उसमें कई लोगों के नाम थे और जो बाद में सेकेंड लिस्ट आई उसमें बहुत लोगों के नाम कट चुके थे। तो वो क्या कारण था, किस वजह से नाम नहीं आए, अगर आपका नाम था और बाद में नहीं है तो क्या हो सकता है, तो यही आज इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जिनका भी फर्स्ट लिस्ट में नाम था और सेकंड लिस्ट में नाम नहीं है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं और क्या कारण था कि सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपीई सर्विस, ठीक है, एमपीई सर्विस लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। आप डायरेक्ट रिजल्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिलेगी इंटरव्यू वाली। तो इस पर जैसे व्यू पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सूचना वो देखने को मिल रही है और यहाँ पर पोर्टल पर विभाग AIGGPA द्वारा CM मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के पूर्व घोषित परिणामों को लिपिकृत स्तर की त्रुटि के कारण हटाया गया है। लिपिकृत मतलब उन्होंने जो लिखने में उनसे कुछ मिस्टेक हो गई थी इसी कारण से उस रिजल्ट को हटा दिया गया है। नवीन परिणाम की सूची को नियम अनुसार पुनः अपलोड किया गया है, संबंधित नियम की जानकारी भर्ती जानकारी भी पोर्टल पर अपलोड की गई है। अनेक स्तर पर परिणाम सूची को लेवल भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, किसी भी आवेदक को यदि आपत्ति है तो वो दिनांक 19/7/2023 बुधवार शाम 5:30 बजे तक complaint@cmyip@gmail.com पर अपनी शिकायत ईमेल द्वारा दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये उन्होंने कुछ समय पहले ही अपलोड किया है पर जो तारीख है वो 19 तारीख जो निकल चुकी है, ठीक है, कल ही मुझे कल ये नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने के लिए मिला। अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पर अभी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी इस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई लग रहा है कि भेदभाव हुआ है तो यहाँ पर आप जरूर कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्था मध्य प्रदेश AIGGPA, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको देखना है कि क्या नवीन परिणाम की जो सूची अपलोड हुई है किस नियम के अनुसार हुई है तो यहाँ पर आप इसे कट करिए और यहाँ पर आपको जो चीज देखने को मिल रही है दो सबसे ऊपर आपको PDF देखने को मिल रही होगी दोस्तों, ठीक है। एक तो ये फर्स्ट PDF ये है इसको आप देखिए और दूसरी ये है। इन दोनों PDF में एक सेकेंड PDF में तो आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा और जो फर्स्ट लिस्ट है द क्राइटेरिया ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू इस नियम के अनुसार जो सेकेंड लिस्ट वो अपलोड की गई है तो उसे जरूर देखिएगा। अगर कोई आपत्ति है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हो सके तो हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और जो लिस्ट है उसमें सभी न्यू लिस्ट है, आप अब इसमें पुराने लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी और आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो भी चुके हैं लगभग 20 से आज 20 तारीख मतलब 25 तारीख तक पूरे इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों अच्छे से दीजिए इंटरव्यू, अगर कोई दिक्कत है या कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी नई अपडेट नई जानकारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।